वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो के अंदर बहुत सारी मजे मजे वाली चीजें हैं, लास्ट तक देखना ताकि आपको प्रॉपर जो मैंने डिटेल्स बतानी है वो आपको पता चल सकें कि किस तरह से जो है हमने अपना काम करना है, हमने कौन कौन सा काम करना है। काफ़ी सारी चीज़ें एंड के ऊपर हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो पूरी देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं क्या चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दोस्तों कैसे हैं सब, उम्मीद है खैरियत होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मज़े के अंदर होंगे। अगेन एक और वीडियो के साथ हाजिर हो गए हूँ अर्निंग मेथड्स के ऊपर। यार अर्निंग मेथड्स के क्या क्या हैं, अर्निंग मेथड आप कौन कौन से मेथड यूज़ करके अर्न कर सकते हो भाई। अगर फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, बेसिक मेरा चैनल तो फ्रीलांसिंग के ऊपर है, कह लें मैं फ्रीलांसिंग की इसकी जो स्किल्स हैं वो सिखाता हूँ, रियल इस्टेट की फील्ड की खासकर, ज़्यादा उसके ऊपर होती है मेरी वीडियोज़, क्योंकि मैं खुद वही काम करता हूँ, फ्रीलांसर हूँ, अमेरिका के अंदर एज एन असिस्टेंट मैं काम करता हूँ होल सेलर इन्वेस्टर्स वगैरह के साथ। तो अब जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार लोग इस चीज़ से काफ़ी तंग होते हैं, दो महीने तीन महीने भी लोग बाद बहुत ज़्यादा जल्दी डिसाइड आ जाते हैं, वैसे ये तो काफ़ी टाइम पीरियड है, लोग दस दिनों बाद डिसाइड आ जाते हैं, एक आधी वीडियो देखी कहते हैं सर हमें तो ऑर्डर नहीं मिल रहा, हमें काम नहीं मिल रहा, हमने अकाउंट बनाया, हमने आईडी बनाई, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है। तो यार बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, आप यूट्यूबिंग कर सकते हो, यूट्यूबिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यूट्यूब आप भी यूट्यूब पर बैठे हो ना, चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, अगर किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, किसी चीज़ को जानते हो, तो भाई उस फील्ड में घुस जाओ, उसको समझो और उसको लोगों को समझाओ, एक चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़ है ब्लॉगिंग कर लो, बहुत सिंपल सी चीज़ है यार ब्लॉगिंग, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छा कैमरा होना चाहिए, फिरने टूरने का तरीका आना चाहिए और दुकानें ये देखी होनी चाहिए भाई कहाँ कहाँ से क्या चीज़ खाने पीने की मिलती है। बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है, लोग मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर जाके आपके सामने कई वीडियोज़ आती हैं, टिकटॉक पर आती हैं, यूट्यूब के ऊपर आती हैं, प्रॉपर चैनल्स को यूज़ करें। यूट्यूब पे आपका मेन ब्लॉग होना चाहिए, लेकिन वो पीसेस के अंदर आपका एडिटिंग करके जो है वो टिकटॉक के ऊपर भी होना चाहिए, ट्विटर के ऊपर भी होना चाहिए और हर जगह पे होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी जो है ऑडियंस बढ़े, और जब ऑडियंस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है तभी कमाई होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी ना। और अगर आपका चैनल बहुत अच्छा चल जाता है, टिकटॉक का अच्छा चैनल चल जाता है, आपका यूट्यूब का चल जाता है, आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, लोग आपको अपने प्रोडक्ट्स देते हैं कि यार इनके बारे में रिव्यू दे दो, ये चीज़ आप लोगों को बता दो जी हम यूज़ कर रहे हैं, ये कोई भी तरीके से कई लोग बना रहे हैं, बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं जो चल रहे हैं अभी तक और बहुत अच्छा जा रहे हैं। तो जो ब्लॉगिंग है सिंपल सी चीज़ है, अगर आप किसी अच्छे सिटी में रहते हो, अच्छे सिटी से मुराद बड़े सिटी में, छोटे सिटी में अक्सर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब मैं अगर सपोज़ कह दूँ मामूगंज एक सिटी है मेरे करीब, वो है मेरे गांव करीब, तो अब मामूगंज सिटी में इस तरह की हाई लेवल की चीज़ें नहीं होंगी, जैसे कि अब लाहौर के अंदर मैं बरगद मार्केट चला जाता हूँ, मैं क्रीम ब्लॉक मार्केट चला जाता हूँ, या मैं माल रोड पर चला जाता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी वो आपको मामूगंज में नहीं मिल सकती। ठीक है, अब एक लेवल की जो शॉप्स हैं वहाँ पर जाएँ, खाने पीने का शौक है या नहीं है, वीडियोस बनाएं उनकी थोड़ी सी तैयारी के रिलेटेड, उनकी डील्स के ऊपर, ठीक है, और अपने ब्लॉग जो उसको अपलोड कर दें, या आप कह लें एक प्रमोशनल वीडियो कह लें आप अगर वो बना रहे हैं तो ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और अल्लाह खैर करेगा, ब्लॉगिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। चाहिए क्या चीज़ होती है, लोकेशन चाहिए जहाँ आपने जाके वीडियो बनानी है, एक चीज़ कैमरा चाहिए जो आपके पास, हर बंदे के पास मोबाइल, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो जाहिर बात है आपके मोबाइल तो मौजूद है, मोबाइल आपके पास मौजूद है, उसका फ्रंट कैम है या बैक कैम है, तो अपने दोस्तों को भाई बैक कैमरे से मेरी वीडियो बनाओ, बैक कैमरे रिजल्ट अच्छा आता है। ठीक है, वही वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाएगी, नहीं तो इसके अलावा क्या चीज़ है, एक दो चीज़ें और होती हैं, जैसे कि लाइक ये बटन है वीडियो रिकॉर्डिंग वाला या कैमरा सेल्फी वाला, अगर मैंने कैमरा पर किया हुआ है वीडियो पर तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो वीडियो स्टार्ट हो जाती है, क्लिक करता हूँ तो बंद हो जाती है। ठीक है, अगर फोटो के ऊपर है तो बंद करूँगा, तो चलाऊँगा तो एक ही बटन दबाऊँगा तो वो शटर क्लिक हो जाएगा और फोटो बन जाएगी। इसी तरह से आपको माइक्स मिलते हैं ब्लूटूथ वाले, सिंपल में एक भी मिलता है, दो पीस पेयर पे भी मिलता है, वो आपके मोबाइल में नीचे से लग जाता है जैक, वो आपके यहाँ पे लगता है, वो ब्लूटूथ माइक से सॉरी ब्लूटूथ या वायरलेस कह लें उसको आप, माइक वो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हैवी इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इसके लिए, आपको बस खाने पीने का शौक है तो वही जो आपने खाने पीने के पैसे भर रहे हैं वही जो करो, लेकिन जब आपका चैनल चल जाएगा तो लोग आपको दुकानों वाले कहेंगे भाई इधर आ फ्री में खा और हमारे जो है ब्लॉग बना, हमारे दुकान के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारी जो चीज़ें हम बेच रहे हैं उसके ऊपर, हमारे डील्स के ऊपर, तो वो तो इस तरह से काम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी इन्वेस्ट है और ये आई थिंक इतनी इन्वेस्ट नहीं है, आम रूटीन में हम लोग जाते हैं पिज़्ज़ा खा लेते हैं यार बाहर से, शॉर्मा खा लिया, बर्गर खा लिया, पराठा रोल खा लिया, डोनर खा लिया, मुख्तलिफ चीज़ें जो हम आम रूटीन में खाते रहते हैं। ठीक है, तो उसी आम रूटीन को थोड़ा सा भाई ट्रेंड चेंज करो, रिकॉर्डिंग करो, वीडियो रिकॉर्ड करो अपनी और उसको चढ़ा दो अपने चैनल के ऊपर और अपना टिकटॉक अकाउंट के ऊपर और वहाँ से अर्निंग का जो है वो तरीकेकार सीखो। अब ये तो होगी ब्लॉगिंग यूट्यूब के ऊपर,
YouTube पे और क्या क्या कुछ हो सकता है, YouTube पे आप बहुत कुछ और कर सकते हो। YouTube के ऊपर आप किसी भी फील्ड के रिलेटेड शायरी लिखना शुरू कर दो यार, ऊपर शायरी, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे शायरी चल रही हो, साथ आप बोल के वॉइस ओवर कर रहे हो, तब भी आपकी मर्जी, या पीछे म्यूज़िक लगा दो, पीछे हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा है, आगे आपकी वो शायरी चल रही है, अगर आप साथ साथ वॉइस ओवर भी हो जाए तो क्या बात है, इस तरह के चैनल बना दो। अब YouTube चैनल के ऊपर आपने चैनल बना, YouTube पे चैनल बना लिया, चैनल बनाने के बाद आपने किसी भी फील्ड के अंदर जाके शुरू कर दी, अपनी ब्लॉगिंग कर दी है, तो आपने वीडियोस बनानी जो है वो शुरू कर दी है, क्रिएट करनी शुरू कर दी, आप क्रिएटर बन गए हो, छोटा सा काम और कर देना साथ। वो काम क्या करना है, वो काम आपने ये करना है कि आपने उसके साथ अपने शॉर्ट्स बनाने शुरू कर देना, उन्हीं वीडियोस के छोटे छोटे टुकड़े उठा के शॉर्ट्स में डालते जाओ। शॉर्ट्स में डालने का क्या फ़ायदा है, शॉर्ट्स में व्यूअरशिप ज़्यादा चांस होता है, जब शॉर्ट्स में व्यूअरशिप ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है कई लोग वो शॉर्ट्स देखते हुए आपके चैनल पे आके आपको सब्सक्राइब कर जाते हैं, चैनल तो सामने खड़ा होता है ना, मैंने क्लिक किया सब्सक्राइब कर दिया और वीडियोस देखने लगे, इस तरह का काम हो जाता है। अगर आप फीमेल हैं, कुकिंग आती है, फीमेल छोड़ो यार, मेल भी और कुकिंग आती है, कुकिंग का शौक है, बाहर रह के आए हो, सऊदी रह के आए हो, बाहर ओमान रह के आए हो, दुबई रह के आए हो, कहीं भी रह के आए हो, जाहिर सी बात है लोगों में कुकिंग मोस्टली ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं, बड़ी मज़े करते हैं, तो मेरे रिश्तेदार भी काफ़ी रह गए हैं, मेरे चाचू लोग रह गए हैं और वो भी बड़ी मज़े की कुकिंग करते होते हैं, ठीक है। कुकिंग का चैनल बना लो भाई, साफ़ सुथरी सी जगह बनाओ, अपना चूल्हा सेट करो, हिसाब लगाओ और अपना जो है वो कुकिंग का चैनल बना लो, जो चीज़ डेली पकानी है भाई डेली पकाने वाली चीज़ की वीडियो बना दो, डेली पकाने वाली सब्जी बना रहे हो सब्जी की वीडियो बना दो, रिकॉर्ड कर दो प्यारे तरीके से, साथ बोल के भी किस तरह से आपने बनाई और उसको अपलोड कर दो, एडमायर किया जाएगा क्वालिटी वर्क, मेहनत, जब मेहनत करोगे क्वालिटी वर्क करोगे आपको लोग देखेंगे, ठीक है। मुबशर है एक बंदा, मुबशर लुकमान है उसका नाम, मुझे पूरा नाम नहीं याद, मुबशर एक गंजास है और पाकिस्तान का, और वो छोटा सा यार गांव से वो बंदा था और उसने चैनल अपना बनाया था यही कुकिंग का, तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा उसका चल रहा है, अब भी चल रहा है, बंदे ने मेहनत की, मेन चीज़ होती है मेहनत, मेहनत के बगैर कामयाबी नहीं मिलती, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा कि मेहनत लाजमी है, ठीक है। फील्डें बहुत सारी हैं भाई, फील्ड अंधाधुंध है, हर फील्ड है, आप अगर मोबाइल मैकेनिक हो, कैमरा सेट करो यार, ट्राइपॉड ले लो, कैमरा सेट करो, अपने जो चीज़ रिपेयर कर रहे हो मोबाइल की, माइक भी लगा रहे हो उसकी वीडियो डाल दो यार, कोई टेंशन नहीं है, मेन चीज़ है मेहनत, अगर आपने करनी है तो आपको फ़ायदा होना है, अगर आप बैठे रहोगे मेरी बात सुन ली और किसी यूट्यूबर की सुन ली, किसी और की सुन ली, ऐसे अर्निंग करते ऐसे करते, सुनते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, जब तक जा कुछ करोगे नहीं भाई, उठो जाओ मोबाइल उठाओ, ब्लॉगिंग शुरू कर दो, उठो अपनी एडिटिंग शुरू कर दो, एडिटिंग करके शायरी वाली एडिटिंग शुरू कर दो, अपनी एडिटिंग करनी है आपने, खाना पकाते हुए वीडियो बनाओ उसकी एडिट करके वो लगा दो, एडिटिंग भी कोई मुश्किल काम नहीं है यार, फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर है, फिल्मोरा कंप्यूटर के लिए होता है, आप उसको डाउनलोड करो, फिल्मोरा को क्रैक वर्जन उठाओ टॉरेंट के ऊपर से और उसको डाउनलोड करके दो, उसको यूज़ करो, बहुत सिंपल यूज़ होता है, मेरी वीडियो फिल्मोरा पे एडिट होती हैं जितनी भी हैं, मैं खुद करता हूँ, ठीक है, तो फिल्मोरा को यूज़ करो, वो काम हो सकता है। आपके जो मोबाइल में यार एक दो और होते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन फ्री वाले बहुत सारे ऐसे जो हैं अवेलेबल आपको मिल जाते हैं, सॉफ्टवेयर जो हैं एडिटिंग के लिए वो आपको मिल सकते हैं, वो उठाओ करो और मज़े करो, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई आपका चैनल टिकटॉक हर चीज़ जो भी आप मेहनत से चलाओगे ना वो चल जाएगी, ठीक है। ब्लॉगिंग करना चाहते हो ब्लॉगिंग भी कर लो, यूट्यूबिंग का मैंने आपको बताया, लेकिन आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है, यही अंधाधुंध पड़ी हुई है यार, अगर ब्लॉगिंग भी करनी है न्यूज़ के ऊपर कर दो यार, किसी चीज़ के ऊपर बैठ के कर दो, या आप बैठे हो और न्यूज़ पढ़ते रहो, ठीक है, जो रिसेंट न्यूज़ है उसके ऊपर तबसरा कर दो अगर आपके पास ये एबिलिटी है तो, ठीक है, वो कर दो, कोई टेंशन नहीं है, लोग देखते हैं यार इन चीज़ों को, लोग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज़ बनाना शुरू कर दो, जो आपका दिल करे, जो आप कर सकते हो, जो आपको ईजी लगता है उसको स्टार्टअप लो और शुरू हो जाओ, बाकी अल्लाह खैर करेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।